अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? मैं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनव्वर अली। मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। ख्वाजा माए ख्वाजा अजीज़ मक्की जी, तो इस वक्त मौजूद है हम ख्वाजा अजीज़ मक्की के दरबार पर। ये देखें, एक छोटा सा खूबसूरत सा चबूतरा बना हुआ है, नीचे कब्र है, लेकिन ये ख्वाजा अजीज़ मक्की की नहीं, वो दरबार अंदर है। ये यहाँ पे तंबू लगा हुआ है ज़ायरीन के लिए, साय का बंदोबस्त किया हुआ। ये मीनार एक आली शान है मस्जिद का, जो बहुत दूर दूर से नज़र आता है। बहुत ही बड़ा मीनार है मस्जिद का। यहाँ वुज़ू की जगह बनी हुई है और साथ में मस्जिद बनी हुई है। जुमे का टाइम है, जुमा इस वक्त चल रहा है, तो हम अभी अभी पहुँचे, तो हमने सोचा कि आपको पहले ज़्यारत करवाते हैं। ज़्यारत के बाद हम जुमा अदा करेंगे। जुमा के बाद फिर आगे हमने जाना है हज़रत बाबा फरीद के मज़ार पर, तो वहाँ की भी आपको सैर करवाएँगे। तो सबसे पहले जो है ना, वो कहते हैं कि पहला सलाम ख्वाजा अजीज़ मक्की किया जाता है, इसलिए हम पहले इधर आए हैं। सवारियां लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि आपको साथ में आपको भी मज़ार की ज़्यारत करवाई जाए और हाज़िरी करते हैं। ये ख्वाजा अजीज़ मक्की का मज़ार है। ये देखें, लोग अकीदतमंद आते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, फातिहा खानी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दुआएँ मांगते हैं। तो ये ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा एक गुंबद बना हुआ है। तमाम अंदर टाइल पत्थर का काम किया हुआ है। रश तो वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज जुमा का दिन है, तो जुमा का दिन पहले की नस्बत ज़्यादा रश होता है, और उस वाले दिन में तो बिल्कुल आखिर का रश इधर होता है, बहुत ज़्यादा इंतहा का रश होता है जब उर्स होता है ख्वाजा अजीज़ मक्की का या बाबा फरीद का। तो ज़ायरीन जुमा के दिन भी काफ़ी तादाद में आते हैं, अपनी अपनी जो है ना मन्नतें पूरी मुरादें पूरी करते हैं। तो वज़ू कर लिया हमने, तो अब चलते हैं जुमा पढ़ते हैं। जुमा का वक़्त हो चुका है, तो वक़्त हो गया, इसलिए हमने सोचा कि इधर जुमा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जाते हुए शायद टाइम निकल ही ना जाए, इसलिए जुमे का वक़्त हो चुका है। तो बयान जारी है, इसके बाद कुछ ही मिनट रहते हैं जुमा का। बंदा जो है ये नमाज पढ़ता पढ़ रहा है, हुजूर फरमाते हैं एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज का जो गुनाह कबीरा और सगीरा होते हैं ना, अल्लाह वो माफ फरमाता।